पिछली बार बात हुई थी हमारे सिस्टर चैनल पे भी, तो आपका नज़रिया था कि फार्मा और बैंकिंग ये दो खेमे हैं जहाँ पे आपका भरोसा अभी भी कायम है। काफ़ी उतार चढ़ाव देख रहे हैं मार्केट्स में, खास तौर से मिड और स्मॉल कैप रेंज में। अभी भी क्या है भरोसा कायम है, और इनमें से अगर किसी को पोजिशनिंग करनी है तो कहाँ पे नज़र रखें? क्या यहाँ पे लार्ज कैप्स नामों के साथ जाएं क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, या इन दोनों स्पेसेस में अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है? ऐसा है कि ये दो दो मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट में बात कही होगी, तो बिल्कुल हम दोनों पे हमारा नजरिया काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा भी हमारे काफी सेगमेंट्स हैं इंडिया में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन जनरल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 10-12 सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक ये सब सेगमेंट्स के अंदर, क्योंकि इंडिया स्टोरी कोई एक छोटी स्टोरी नहीं है, एक बहुत डाइवर्सिफाइड स्टोरी है। अगले अगर 10-15 साल का हम इसमें नजरिया डालें तो इन सब सेगमेंट्स में, तो आप जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको सब अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं सब सेगमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ कोर्स लार्जेस्ट सेक्टर मेरे ख्याल से है जो वेल्थ क्रिएट करेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ लार्ज वेल्थ ऑल्सो, क्योंकि कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं बन सकती है सेक्टर के बिना ग्रो किए हुए, तो ये सेक्टर बिल्कुल ग्रो करेगा। एंड मेरा ये मानना है कि इसमें एक्सपोजर अच्छा रखना चाहिए। सेम चीज फार्मा के अंदर भी एक बहुत समय बाद सेक्टर ने अच्छा करना चालू किया है, और मैं मानता हूं कि अगले 5-7 वर्षों में इसमें भी ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये सबको रख के इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। ठीक है सर, हम आपके एग्री करते हैं सारी बातों के साथ। एक और चीज़ है विकास जी, जो पिछले हफ्ते, या पे बोलूँगा पिछले 10-15 दिनों में मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चित था, वो था स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो रेगुलेशंस को लेकर भी कुछ बोला गया रेगुलेटर्स की तरफ से भी कि भाई देखो थोड़ा सा चेक कर लो। हाँ, फिर बाद में ये पता लगा कि कुछ NBFCs पे भी RBI ने भी सख्ती कर दी गोल्ड लोन और छोटी टिकट साइज लोन को लेकर। फिर आपको पता है थोड़ी फ्रॉथ भी थी क्योंकि बहुत अच्छे चले थे 2023 के अंदर ये। अब आपको लगता है कि ये फेयर वैल्यू पे हैं? अच्छा, दूसरा फेयर वैल्यू भी छोड़ दो, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है ना सर स्मॉल कैप और मिड कैप पे? बस यही पता करना चाहता हूँ। बिल्कुल, कोई भी इकोनॉमी जब इतनी बड़े ग्रोथ की फेज से निकलती है तो ऐसा जाहिर सी बात है कि स्मॉल एंड मिड कैप अच्छा करते हैं। इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस जो बहुत ज्यादा रहा है, तो कुछ कुछ पॉकेट्स ओवर वैल्यूएशन में आ गए हैं, कुछ कुछ यूफोरिया भी है। तो इसमें स्मॉल और मिड कैप की गलती नहीं है, इसमें है कि एक मार्केट में मोमेंटम बन गया है, तो आप उनको अवॉइड करें। और अगर ऐसे भी होंगे जो स्मॉल कैप्स लगता है आपके पोर्टफोलियो में महंगे हो गए हो, पर उनकी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चरली इन प्लेस है आने वाले 10 साल में ग्रोथ, तो उनको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल इंटरमिटेंट फेस आते रहते हैं। अगर अगर आप कोई भी कंपनी देखिए, जैसे आप मान लीजिए HDFC बैंक का एक 20 साल का इतिहास लेंगे, या कोई भी चीज का एक बड़ा 20 साल का इतिहास लेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कई समय पे बहुत महंगे हो जाते हैं, कई समय कुछ नहीं करते हैं, पर अगर आप एक लंबी अवधि का उसको एक नजरिया रखेंगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी क्वालिटी के स्मॉल एंड मिड कैप को बेचना चाहिए। और काफी अभी रिसेंटली करेक्शन में आए भी, अपॉर्चुनिटी अच्छी भी है, उनको आप देख भी सकते हैं। स्मॉल और मिड कैप जो है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है। पॉकेट्स ऑफ जो एक्सुबरेंस है, वो यूफोरिया है, उनको अवॉइड करने की जरूरत है। SME के अंदर जो आज जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है, उनसे केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि तेजी के बाजार में ही जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, तेजी के बाजार में ही हम रिस्क को अंडरमाइन करना चालू कर देते हैं। तो क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ द बिजनेस के ऊपर हमारा जो एक स्टैंडर्ड है उसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, उसको शायद दुगना करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मार्केट में ही हम धीरे धीरे, बिकॉज स्टॉक्स चलते रहते हैं, तो रिस्क को नीचे कर देते हैं।